जगदलपुर शहर में शराब सेवन, जुआ और गांजा के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में अभियान चलाकर कार्रवाई करने में सफलता हासिल की गई है। जुआ कार्रवाई थाना कोतवाली अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति नया पारा क्षेत्र में ताश पत्तों से जुआ खेल रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में नया पारा में रेड कार्रवाई की गई है। रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी भूपेंद्र यादव, आकाश जोयल, पवन सिंह को मौके पर जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से 30,500 रुपए और ताश के 52 पत्ती बरामद कर जब्त किया गया। मामले में तीनों आरोपी के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम हैं पवन सिंह, पिता शोभा सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी नया मुंडा जगदलपुर। दूसरा भूपेंद्र यादव, पिता गोपाल यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी गांधीनगर वार्ड जगदलपुर। आकाश जोयल, पिता राकेश जोयल, उम्र 28 वर्ष, निवासी गांधीनगर वार्ड जगदलपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि नया पारा क्षेत्र में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्यवाही तो टीम रवाना की गई थी और इस टीम के द्वारा नया पारा क्षेत्र में जो है दर्शित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया और इस रेड कार्यवाही के दौरान तीन जुआड़ी जो है मौके पर जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जिनमें भूपेंद्र यादव, पवन सिंह और आकाश तीनों जो है नया मुंडा और गांधीनगर क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके कब्जे से और फर से जो है 30,500 रुपये नकद, साथ में 52 पत्ती जो है मौके पर बरामद किया गया है। और इस मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 52 पत्ती ताश और 30,500 रुपये नकद जब्त किया गया है और इस मामले में तीनों आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जे न्यूज़, जगदलपुर।